नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको नवधारा में नेक्स्ट अगला पाठ पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति स्थित पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका बहा सकता है और पाता है कि उसे इसमें इस नौका में बहाव के विपरीत आने में बहाव की तरफ से 2 गुना समय लगता है, धारा की गति क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया यूपी लेखपाल 2015 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, जो नाव की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से नाव यहाँ तक आती है दोस्तों साथी, तो जब नाव यहाँ से यहाँ तक आती है तो धारा की दिशा में एक बार नाव आएगी, एक बार धारा की विपरीत दिशा में नाव जाएगी। ये मान लीजिए दोस्तों, धारा की दिशा में नाव जा रही है और फिर यहीं से यहाँ तक ये दूरी आती है तो धारा की विपरीत दिशा में नाव जाती है। तो बोट की चाल क्या दिया गया है दोस्तों सवाल के अंदर, बोट की चाल दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए दोस्तों, बहाव में जितना जब नाव बहाव की तरफ जाएगी तो मान लीजिए कुछ समय लेती होगी दोस्तों, तो टी समय लेती है दोस्तों साथी, टी समय लेती है। लेकिन यही नाव मान लीजिए दोस्तों साथी, मान लीजिए दोस्तों ये नाव है दोस्तों, ये नाव है, जब ये बहाव की दिशा में नाव चलती है, ये बहाव अगर इधर बह रहा है तो बहाव की दिशा में अगर नाव चलती है तो टी समय लेती है दोस्तों साथी। लेकिन वही नाव है, लेकिन जब बहाव की विपरीत बहाव अगर इधर है और नाव इधर चल रही है, बहाव की विपरीत दिशा में नाव जा रही है, तब समय जो लगता है वो 2 गुना समय लगता है। इसका मतलब अब जो टाइम लगता है वो 2T टाइम लगता है दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बात आप आराम से समझ रहे हैं और ये सवाल के अंदर दिया गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको पीछे एक फार्मूला बताएं दोस्तों, B1T1 बराबर B2T2, ये आपको पीछे ऑलरेडी चाल समय दूरी और ट्रेन में पढ़ा चुके हैं दोस्तों साथी। तो B1 की जगह क्या होगा दोस्तों, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो धारा स्ट्रीम की चाल और बोट की चाल को जोड़ देंगे। तो बोट की चाल है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 और प्लस स्ट्रीम की चाल यस है, तो यस मान लेते हैं दोस्तों। समय कितना लगता है दोस्तों, तो टी घंटा लगता है, तो टी ले लेते हैं दोस्तों साथी। बाद में जब धारा के विपरीत गई है तब क्या चाल होगी दोस्तों, तो बोट की चाल में से स्टीम की चाल को घटा देंगे। इसका मतलब 10 माइनस यस कर लेंगे दोस्तों। अब कितना समय लगता है, तो अब समय लगता है 2T, 2 गुना समय लगता है, तो 2T हो गया दोस्तों साथी। टी से टी कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे काम करेंगे तो 10 प्लस यस हो जाएगा दोस्तों, और इधर इसका गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा और -2s हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये -2s है, इक्वल की इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 10 इधर प्लस है, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 3s बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 20 में से 10 को घटा देंगे, 10 मिल जाएगा दोस्तों। तो यस का मान निकालेंगे तो यस का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10/3 मिल जाएगा दोस्तों। अब इसका भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है दोस्तों, धारा की चाल क्या थी दोस्तों साथी, तो धारा की चाल थी 3 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सवाल MATLAB 1 से नहीं लगा पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो आपको MATLAB 2 भी बता रहे हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, MATLAB 2 क्या है, तो स्टीम की चाल बराबर होता है दोस्तों, धारा की चाल बराबर होता है बोट की चाल ब्रैकेट में जो गुना माइनस वन बटे गुना प्लस वन। अगर ये फार्मूला आप ध्यान में रख पाते हैं दोस्तों साथी, तो एग्जाम हाल में आप फार्मूले से सवाल लगा लें। देखिए दोस्तों, स्टीम की चाल बराबर होगा क्या, बोट की चाल ब्रैकेट में गुना माइनस वन बटे गुना प्लस वन। डायरेक्ट स्टीम धारा की चाल निकाल लेंगे दोस्तों। तो धारा की चाल निकालते हैं दोस्तों, बोट की चाल कितना है दोस्तों, 10 है, गुना कितना है दोस्तों, 2 गुना हो जाती है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। अब गुना 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 10/3 आ जाएगा दोस्तों साथी। इसका भाग लगाएंगे 3 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको MATLAB 1 अच्छा लगता है दोस्तों, तो MATLAB 1 से सवाल लगाइए। अगर आपको MATLAB 2 अच्छा लगता है, तो MATLAB 2 से आप सवाल लगाइए। आपको जो बेस्ट तरीका लगता है दोस्तों, उसी तरीके से आप सवाल को लगा लें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी, आज का पहला सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में लिए गए समय से तीन गुना समय लेता है। धारा की चाल क्या है? ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है RRB JEE 2019 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल लगाने आपको आ गया तो आप इस तरह के सवालों को B1 T1 = B2 T2 से लगा सकते हैं दोस्तों। साथ ही चाहें तो आप इससे लगाएं या तो मेथड 2 से लगाएं। देखिए दोस्तों, हम इस सवाल को मेथड 1 से बता देते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, जब धारा की दिशा में आदमी या नाव जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, शांत जल में आदमी की चाल ये दिया गया है, इसका मतलब है 28/3 प्लस स्टीम की चाल, धारा की चाल इतना समय लेगा। जब धारा की दिशा में जाएगा तो मान लीजिए टी समय लेता था दोस्तों, टी हो गया दोस्तों। अब जब धारा के विपरीत में जाएगा तो 28/3 माइनस एन, अब देखिए दोस्तों कितना समय लेता है, तो तीन गुना समय अब लेता है, इसका मतलब 3t हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, साथ ही टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 28/3 और प्लस एस, और देखिए दोस्तों इसका गुणा हो जाएगा तो 24 और 6 2 8 84/3 -3s। अब देखिए दोस्तों, ये 3s माइनस है, इक्वल किधर आएगा? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, इक्वल किधर आएगा? तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 4s बराबर आपको मिल जाएगा 84/3 और माइनस 28/3, ये मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, घटा देंगे तो जब घटाएंगे तो इसके बाद अगर सॉल्व करेंगे 4s बराबर, देखिए घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 56/3 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 4 से काट देंगे तो 4 * 4 = 4, तो एस का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब धारा की चाल क्या थी दोस्तों? तो धारा की चाल थी 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, अगर आपको सवाल को मेथड 2 से लगाना है तो आप मेथड 2 का प्रयोग कर सकते हैं। स्टीम की चाल बराबर होता क्या है दोस्तों? साथी बोर्ड की चाल ब्रैकेट में गुना -1 अब बटे गुना प्लस वन। अब चाहिए तो मेथड 2 से सवाल लगा लें या तो आप मेथड 1 से लगा लें, जो आपको बेस्ट लगता है उसी वाले तरीके से आप सवाल लगाएं। देखिए दोस्तों, मेथड 2 से अगर लगाएंगे तो 28/3 गुना 3 में से अगर एक घटा देंगे तो 2/, अब देखिए दोस्तों 3 में एक जोड़ देंगे 4, 4 से काट देंगे तो 7 * 4 = 28, अब नहीं कटेगा दोस्तों तो 14/3 आ जाएगा। तो 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल थी दोस्तों? तो स्टीम धारा की चाल थी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। राजन ठहरे हुए पानी में 7/1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक नाव चला सकता है। अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे 2 गुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए UPSI 2017 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको दो तरीके बताएं, आपको जो बेस्ट लगता है दोस्तों उसी तरीके से आप सवाल को लगा लें। अब देखिए दोस्तों, अगर धारा की दिशा में राजन पहले नाव चलाएगा तब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब B1 T1 = B2 T2, इस वाले तरीके से पहले आप सवाल लगाएं दोस्तों। तो जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो बोट की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे, इसका मतलब 7 * 2 = 14 और 1 15/2, तो 15/2 प्लस स्टीम की चाल, टाइम मान लीजिए दोस्तों टी समय लेता था तब। अब देखिए दोस्तों, बाद में जब काम होगा दोस्तों, जब विपरीत दिशा में नाव ले जाएगा, इसका मतलब 15/2 माइनस यस इंटू, अब देखिए दोस्तों 2 गुना समय लेता है, इसका मतलब अब हो जाएगा 2t, टी से टी कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे काम करेंगे तो 15/2 प्लस यस, और इधर आ जाएगा दोस्तों, इसका गुणा कर देंगे 30/2 और माइनस 2s। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस 2s है, इक्वल किधर आएगा? प्लस हो जाएगा, और ये नंबर प्लस है, इक्वल किधर आएगा? तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों 3s बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 30/2 माइनस 15/2। इसके बाद अगर LCM लेंगे 2 आ जाएगा दोस्तों, 30 में से 15 को काट देंगे तो 15 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 3s बराबर आपका आता है 15/2।
अब देखिए दोस्तों, 3 से अगर 15 को काटेंगे तो 5 बार में, तो यस का मान निकालेंगे तो 5/2 इसका भाग लगा देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है दोस्तों साथी, धारा की चाल क्या थी दोस्तों, तो धारा की चाल थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप मैट्रिक 2 लगाना चाहते हैं तो मैट्रिक 2 लगा लीजिए दोस्तों। स्टीम की चाल बराबर बोट की चाल, बोट की चाल क्या है दोस्तों, 15/2, तो बोट की चाल 15/2। अब माइनस गुना माइनस 1, तो गुना 2 है, 2 में से घटा देंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। अब बटे गुना प्लस 1, तो गुना 2 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों। इससे काट देंगे तो 5 बार में। अब स्टीम की चाल निकालेंगे, इसका भाग लगाएंगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल क्या थी दोस्तों, तो धारा की चाल थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है रेलवे 2002 में। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो मान लीजिए दोस्तों, ये कोई नदी है दोस्त साथी, अगर ये कोई नदी है दोस्तों, ये कोई नदी है दोस्तों, और ये नाव है दोस्त साथी, ये नाव हो गई दोस्तों, और ये नाविक हो गया दोस्त साथी, ये क्या हो गया दोस्तों, नाविक हो गया। अगर देखिए दोस्तों, पहले शांत जल में अगर बोट की चाल, जो बोट है, जो भी नाव है, उसकी चाल क्या दिया गया है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की चाल दिया गया है। इसका मतलब शांत जल में अगर ये नाव चलेगी तो 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जाएगी। मान लीजिए दोस्त साथी, अगर धारा इस दिशा में बह रहा है, धारा इस दिशा में बह रहा है तो नाव भी इसी दिशा में जाएगी, तो धारा की दिशा में नाव जाएगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट दोस्तों, मान लीजिए वही नदी है दोस्त साथी, वही नदी है और नाव यहाँ पे है दोस्तों, नाव यहाँ पे है, और ये नाविक हो गया दोस्त साथी, और नाव इधर जा रही है, और धारा अगर इस दिशा में बह रही है, इसका मतलब अब विपरीत दिशा में नाव जा रही है। तो देखिए दोस्तों, जब धारा की दिशा में नाव जाती है तो कोई दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में T1 का मान क्या दिया गया दोस्तों, 3 घंटा दिया गया है, तो 3 ले लेते हैं दोस्तों, 3 घंटे का समय लेती है। लेकिन जब यही नदी धारा के विपरीत जाती है तो 9 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब T2 का मान क्या दिया गया दोस्तों, 9 घंटा, तो 9 घंटा ले लेते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, पीछे आपको पढ़ा चुके हैं कि B1 T1 बराबर B2 T2। देखिए दोस्तों, B1 T1 और B2 T2 वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे दूरी सेम हो। तो देखिए दोस्तों, अगर ये नाव यहाँ से यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से यहाँ तक गई है, तो दूरी बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, B1 का मतलब जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, तो इसका मतलब बोट की चाल और स्टीम की चाल को जोड़ देंगे दोस्तों। तो नाव की चाल 4 है और स्टीम की चाल मान लेते हैं यस, तो समय कितना लगता है दोस्तों, 3 घंटा, तो ×3 कर देंगे दोस्तों, 3 हो जाएगा दोस्तों। बटे B2 का मान जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, तब 4 माइनस यस कर देंगे दोस्तों, और टाइम कितना है, 9 घंटा है, तो 9 लेंगे दोस्तों, 3 से 9 को काट देंगे दोस्तों 3 बार में। यहाँ पे आपको 4 प्लस यस, और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 12 माइनस 3 यस, ये इधर आके प्लस हो जाएगा दोस्तों, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 3 यस प्लस में है, इक्वल किधर लाएंगे, माइनस में है तो इक्वल किधर लाएंगे, तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 4 यस, अब ये 4 इधर प्लस में, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 4 को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा दोस्तों। काटेंगे तो यस का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब धारा की चाल क्या थी दोस्तों, तो धारा की चाल थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो वो सही हो जाता, तो ऑप्शन के अंदर लिखा गया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक नाव की अनुप्रवाह चाल एवं ऊर्ध्व प्रवाह चाल का अनुपात क्रमशः 7:5 है। यदि वह नाव अनुप्रवाह में 63 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है बैंक PO 2016 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है दोस्तों जब नाव धारा की दिशा में जाएगी। इसका मतलब होता है दोस्तों बोट प्लस स्टीम, बोट प्लस स्टीम हो गया दोस्तों। आगे कह रहा है ऊर्ध्वप्रवाह। ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अनुपात दिया गया, इसका मतलब बटे बी माइनस एस कर लेंगे दोस्तों। बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों? 7/5 ये आना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगली लाइन क्या कह रहा है, यदि वह नाव अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, इसका मतलब बी प्लस एस की बात कर रहा है। तो 63 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, इसका मतलब 63/3 कर देंगे दोस्तों। इससे ये काटेंगे कितना जाएगा दोस्तों, इसका मतलब बी प्लस एस का मान निकालेंगे तो 21 आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी इतना पॉइंट आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अनुप्रवाह इसका मतलब धारा की दिशा में नाव जा रही है, 63 किलोमीटर की दूरी जाती है तो 3 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब बी प्लस एस का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 21 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो बी प्लस एस का मान 21 आया है, यही मान मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों। इसे इक्वेशन में रखने पर तो बी प्लस एस की जगह क्या रख देंगे दोस्तों? 21 रख देंगे। तो जब हम बी प्लस एस की जगह 21 रखेंगे तो इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 21/b-s और इधर आ जाएगा दोस्तों 7/5। देखिए दोस्तों, 7 से अगर हम इसको काट देते हैं तो 3 बार में कट जाएगा। अब क्रॉस में गुणा होगा दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो गुणा करेंगे तो इसके बाद बी माइनस एस का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 × 3 = 15, इसका मतलब 15 मिल गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बी प्लस एस का मान 21 आया है और बी माइनस एस का मान 15 आया है, तो हमको किसकी चाल चाहिए दोस्तों? तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो बी प्लस एस का मान 21 है और बी माइनस एस का मान कितना है दोस्तों? 15 है। अब देखिए दोस्तों, ये एस प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों कट जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2b बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा दोस्तों। 2 से 36 को काटेंगे तो बी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 18 है। इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या थी दोस्तों? 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप सवाल को नहीं समझ पाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें और उस सवाल को समझें। यही सब सवाल एग्ज़ाम हाल में आने वाले हैं दोस्तों, जिससे आप एग्ज़ाम को पास करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप केयरफुल्ली वीडियो को देखें और उस पर देखिए दोस्तों, वीडियो को देखें और एक नोट बनाएं दोस्तों साथी, और किताब को लगाएं और एग्ज़ाम हाल के जो भी पेपर सेट हैं वो देखिए, जो हमारे सर जी पढ़ा रहे हैं, क्या हम पेपर सेट के सवाल भी लगाने योग्य हो रहे हैं? अगर आप पेपर सेट के सवाल लगाने योग्य नहीं हो रहे हैं दोस्तों साथी, तो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिलहाल नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव की ऊर्ध्वप्रवाह चाल एवं अनुप्रवाह चाल का अनुपात क्रमशः 5 संबंधी नाव है। शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा अनुप्रवाह में 38 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया बैंक क्लर्क 2016 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊर्ध्वप्रवाह लिखा गया है, इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में नाव जाएगी, तो बोर्ड माइनस स्टीम कर देंगे दोस्तों। बटे अनुप्रवाह है, इसका मतलब धारा की दिशा में नाव जाएगी, तो बोर्ड प्लस स्टीम कर देंगे दोस्तों। तो अनुपात क्या दिया गया है? 5 संबंधी 9 दिया गया है, तो 5 संबंधी 9 लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो शुरू में लिखा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये वाला मान यहाँ और ये वाला मान यहाँ रख दें तो सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सवाल को केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना भी है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब जब जल शांत रहता है तब बोट की चाल क्या होता है दोस्तों? 14 किलोमीटर प्रति घंटा होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों ये इक्वेशन है, अब किसी भी इक्वेशन का अगर कोई इक्वेशन है दोस्तों, उसमें किसी भी नंबर का गुणा भाग किया जाता है तो उस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर नीचे ऊपर गुणा भाग उसी नंबर का करेंगे तब, जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हम दो का गुणा इसमें कर दें दोस्तों, ऊपर भी 2 का गुणा कर दें और नीचे भी 2 का गुणा कर दें,
इस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो से दो कट के ख़त्म हो जाएगा, फिर यही मान आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब अगर हम गुणा करते हैं दोस्तों साथी, तो बी माइनस यस बटे बी प्लस यस का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, इतना आ जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, बोट की चाल जो नाव है, नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, लेकिन जब नाव धारा के विपरीत जा रही है तब उसकी चाल हो रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा की दिशा में जा रही है तो हो रहा है उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है अगर हम स्ट्रीम की चाल निकालें, धारा की चाल निकालें, तो क्या होगा दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, अगर हमको 10 लाना है तो 14 में से किसको घटा दें, 10 आ जाए तो 4 को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब इस धारा की चाल क्या आएगी दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, धारा की चाल जब 4 होगी तभी तो यहाँ पे 10 आएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल का अंतिम लाइन क्या कह रहा है, तो नाव द्वारा अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर 38 मिनट तक चलेगी तो दूरी ज्ञात करना है। इसका मतलब दूरी बराबर होता क्या है दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो धारा की दिशा में नाव को ले जाना है, तो 14 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा दोस्तों। तो दूरी दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना है दोस्तों, 38 मिनट है। अब देखिए दोस्तों, 38 जो है ये मिनट में है, अगर घंटे में बदलेंगे तो बटे 60 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम काट देते हैं दोस्तों, 6 से काटते हैं तो 6 3 18 और 6 से काटेंगे 10 हो जाएगा दोस्तों। इसका गुणा कर देंगे तो 8 3 24, 9 2 11, अब 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों। इसका मतलब डी का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 11.4 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी निकालेंगे तो दूरी क्या आ जाएगा दोस्तों, दूरी आता है 11.4 किलोमीटर। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सवाल को ऐसे नहीं समझ पाते हैं, मेथड वन से आप सवाल को नहीं समझ पाते हैं, ये वाला कि हम 2 का गुणा क्यों किए हैं, अगर ये वाली चीज़ समझ नहीं पाते हैं, तो आप मेथड 2 से भी सवाल को लगा सकते हैं। मेथड 2 क्या है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो बोर्ड है, बोर्ड की चाल क्या, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी माइनस यस का मान क्या है दोस्तों, 5 है, और बी प्लस यस का मान क्या है दोस्तों, बी प्लस यस का मान 9 है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से कट के ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2b और इधर जोड़ेंगे तो 14, इससे ये काट देंगे तो b का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 7। इसका मतलब b का मान आता है 7 यूनिट, धारा की जो नाव की चाल है वो 7 यूनिट है। अब हम अगर स्टीम की चाल निकालेंगे तो स्टीम की चाल क्या आएगा दोस्तों, तो भी यही मान चाहे इक्वेशन 1 चाहे 2 में रख देंगे, तब यही मान इक्वेशन 2 बी के जगह बी का मान रखेंगे, इधर लाएंगे तो यस का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 यूनिट, यस का मान मिलता है 2 यूनिट। अब देखिए दोस्तों, हमको पता है जो भी नाव है, नाव की चाल शांत जल में 14 है, तो 7 से 14 होने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब बोट की चाल अगर 14 है तो स्टीम जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तभी 14 बनेगा, तो 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब इस धारा की चाल निकालेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे 2 का गुणा क्यों हुआ है, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मेथड 2 से सवाल को लगा लें दोस्तों, तो मेथड 2 आप आराम से समझ गए होंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, हमको पता है कि नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर अनुकूल दिशा में 38 मिनट तक ले जाना है तो दूरी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 × 38, ये मिनट में, घंटे में बदलेंगे 60, 6 3 18, इसको काटेंगे 10, गुणा करा लेंगे तो 24 और 9 2 11, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो दूरी क्या आ जाएगा दोस्तों, 11.4 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथ ही। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव अनुप्रवाह में 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्रमशः 4 संबंध एक है, वह नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है SBI PO 2017 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एक नाव अनुप्रवाह में 20 किलोमीटर, अनुप्रवाह का मतलब होता है दोस्तों धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। इसका मतलब है दोस्तों साथी, बोट प्लस अगर हम स्टीम निकालेंगे, क्योंकि धारा की दिशा में, तो दूरी क्या है दोस्तों, 20 है
और यहाँ पे 24 मिनट का समय लेती है। ये देखिए दोस्तों, मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए बटे 60 कर देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 20 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ पे 20 होगा दोस्तों, 20 बटे 24 इंटू 60 कर लेंगे दोस्तों, तो अभी घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 12 से काटते हैं तो 12 पचे 12 दूना इससे ये काट देंगे तो 10 बार में गुणा कर देंगे, इसका मतलब बी प्लस यस का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा दोस्तों। साथी उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बात आप आराम से समझ गए। अब देखिए दोस्तों, सवाल का अगला लाइन क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात, इसका मतलब बी, पहले देखिए दोस्तों नाव की चाल कह रहा है इसलिए बी बटे यस कर देंगे दोस्तों, तो इसका अनुपात क्या दिया गया है, 4:1 है तो 4:1। अब देखिए दोस्तों, बोट प्लस स्टीम दोनों को जोड़ते हैं तो 50 आता है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 5। तो 5 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, 5 यूनिट बराबर 50 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 1 यूनिट बराबर इससे ये काट देंगे तो 10 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, धारा का मान 1 है और बोर्ड का जो नाव है उसका मान 4 है, इसका मतलब धारा की चाल आती है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 यूनिट का मान क्या है 10 आया है, 4 यूनिट का मान निकालेंगे 40, इसका मतलब नाव की चाल आ जाएगी शांत जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। साथी ये उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बात आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे सवाल क्या कह रहा है, वह नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगी। अब देखिए दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह हो गया तो धारा क्या विपरीत दिशा में हो गया, इसका मतलब समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या है दोस्तों 15 किलोमीटर, अब दूरी हो गई बटे चाल क्या लेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें से इसको घटा देंगे तो 40 में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा दोस्तों। साथी अब देखिए दोस्तों, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/2 मिल जाएगा दोस्तों, 1/2 घंटा, लेकिन ऑप्शन घंटे में नहीं दिया गया दोस्तों, मिनट में दिया गया है, तो 1/2 का मतलब होता है दोस्तों 30 मिनट, या तो आप इसमें 60 का गुणा कर दें तो 260 को काटेंगे तब भी 30 आ जाएगा, तो 30 मिनट, इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर ना ऊर्ध्व प्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी जाएगी तो 30 मिनट का समय लेगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अगर दोस्तों आप ये सवाल नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों साथी, अगर आप हमारा थोड़ा सहयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। अगर आपके आसपास पढ़ने वाले लोग हैं दोस्तों तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस करें दोस्तों। तो दोस्तों साथी, आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जल्दी से अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।